हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल, अपना एंटरटेनमेंट चैनल पे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टेक्स्ट पे कैसे एनिमेशन लगाते हैं, तो उसी का आज ये पार्ट टू है, बवाल एनिमेशन। जैसे हम व्हाट्सएप पे किसी से बात करते हैं, इधर से हम जो मैसेज भेजते हैं उधर से रिप्लाई आता है, उसी चीज को आज हम टेक्स्ट एनिमेशन के थ्रू देखेंगे, जो नाम है टेक्स्ट बवाल एनिमेशन। तो वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए आप लोगों को ले चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था कि टेक्स्ट में एनिमेशन कैसे लगाते हैं, उसी का ये पार्ट टू है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे हम किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो जो पॉपअप मैसेज आती है उसी को एनिमेट करना हम इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे एक ये और इधर से ये रिप्लाई आया दूसरा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वीडियो है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ला करके छोड़ेंगे तो हमारे पास एक नया कंपोजिशन बन के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पर पॉपअप मैसेज क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम एक शेप लेंगे, राउंडेड रेक्टेंगल ले लिया मैंने और यहाँ पे मैंने शेप को बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 100% कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे, और इसको हल्का नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस शेप को सिलेक्ट करके पेन टूल लेंगे। फर्स्ट वाले पेन टूल को यहाँ पे कर्सर रखेंगे, सेकंड वाले को यहाँ पे, और थर्ड वाले यहाँ पे, और इसको हम इसको अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमारा शेप क्रिएट हो गया। अब हम इसको फिट टू स्क्रीन कर लेते हैं, इसको पॉपअप देंगे। तो पॉपअप देने के लिए उससे पहले ये दिखा देता हूँ मैं, ये यहाँ नीचे से ऐसे जा रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जा रही है मतलब एंकर पॉइंट यहाँ पे है, तो हम भी अपने इस शेप का एंकर पॉइंट को यहाँ पे लेके आ जाएंगे। अभी हमारी एंकर पॉइंट यहाँ पे है तो हमने इसको यहाँ पे फिक्स कर लिया, ठीक। अब जब ये 2 सेकेंड पे रहे तो यहीं रहे, इसी इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी रोटेशन ऑन करेंगे आर, और यहाँ पे हमने लगा दिया एनिमेशन। जब 0 पे आए तो इसकी रोटेशन एकदम से यहाँ से नीचे हो जाए, ठीक है। अब साथ ही साथ हमें इसके स्केल पे भी एनिमेशन करना होगा, एस प्रेस करेंगे, ठीक है, और 2 सेकेंड पे हमने इस पे यू प्रेस कर लेंगे, ठीक है। अब हम एस प्रेस करेंगे और 2 सेकेंड पे ये इतना फिक्स है, इसको ऑन कर देंगे, और जब ये 0 पे आए, जब ये 0 पे आए तो ये भी 0 हो जाए। अब अगर हम करेंगे ये देखो, ठीक, एनिमेशन कुछ वैसा आ गया, यहाँ पे आए, ठीक है। ये जैसे हमारा हो गया, जैसे ये यहाँ पे आ जाता है तो हम यहाँ से एक टेक्स्ट ले लेंगे, टेक्स्ट ले टी प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे MWT मीट मी एट DONUT डोनट्स SHOAP शॉप एट 3... ठीक है, और यहाँ से एंटर मार देंगे और इसको फिर सिलेक्ट करके इधर अलाइन कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमें, जैसे ये यहाँ पे फिक्स हुआ तो इस टेक्स्ट को हमें बता देना है कि तुम फॉलो करो सेप लेयर को, ठीक है। तो ये भी सेम आ गया। अब इस पे टाइपराइटर इफेक्ट डाल देना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे TYPE
जैसे लिखेंगे तो टाइपराइटर आ जाएगा और हमसे पूछ रहा है कि हमें कहाँ से चाहिए। तो ये जैसे यहाँ पे फिक्स हो गया तो यहाँ पे ये टाइपराइटर हमने डाल दिया। जैसे इस पे यू प्रेस करेंगे तो हमें दिख जाएगा शुरू का पॉइंट यहाँ है, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे आकर के ये ख़त्म हो जाएगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से टाइप होना शुरू करे, मीट मी एट डोनट्स डोनट्स शॉप पे आकर के थोड़ी देर के लिए रुके। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनिमेशन पे जैसे टिक करेंगे ये एनिमेशन हो गया, इसी को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी और यहाँ तक यही रख देंगे। ठीक है, तो देखिए ये आया शॉप तक, ठीक शॉप तक हुआ, फिर ये इतना दूर फिक्स है और फिर ये आगे का टाइप हुआ। ठीक है, अब जैसे ये टाइप हो गया तो फिर हमें इसे टाइपिंग हो गई तो अगला स्टेप जो है हमारा, ये टाइप होने के बाद ये ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे ऊपर जा रहा है तो अब इसे ऊपर भेजना है। ऊपर भेजने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो हमारा फिक्स ही है तो हम पोजीशन पे ऑन कर लेंगे। ठीक है, पोजीशन ऑन किया और यहाँ पे एनिमेशन ऑन कर लेंगे। फिर यहाँ पे आ करके हमें कहाँ तक ले जाना है, वहाँ तक सेम चीज़ हम क्या करेंगे, ओपेसिटी ओपेसिटी ऑन करेंगे। यहाँ पे 100 रहेगा, यहाँ पे जैसे आए तो 0 हो जाए। अब जो है ये ओपेसिटी वाला जो एनिमेशन है ये हमें टेक्स्ट वाले में डालना पड़ेगा क्योंकि ये उसमें फॉलो पेरेंटिंग में नहीं आता है, तो इस पर हमने कॉपी कर दिया। अब ठीक है, टेक्स्ट पे इस पॉइंट पे आकर के जैसे हमने इसे कंट्रोल भी किया तो यहाँ पे जाएंगे तो टेक्स्ट भी गायब हो गया। ठीक, अब हमारा जो अगला काम है वो काम ये है कि हमें एक डुप्लीकेट बनाना है इसी का रिप्लाई के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये शेप को जैसे कंट्रोल डी मारेंगे तो डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, अब डुप्लीकेट वाले लेयर को जैसे ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, इसको हम यहाँ से ले आएंगे। ठीक है, इस पे हम यू प्रेस करेंगे और ये वाला हटा देते हैं। ठीक, इस पे से बाकी सारा एनिमेशन भी हटा देते हैं। हमने सिंपल एक डुप्लीकेट बनाया और यहाँ पे एक डुप्लीकेट रह गया। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, और इसकी ओपेसिटी जो है वो हम 100 कर देते हैं। ठीक है, ये डुप्लीकेट हो गया। अब हमें पहला काम ये करना है कि सेम सेम साइड से ये सही नहीं लगता है तो इसकी एंगल चेंज करनी है। तो उसके लिए हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ से आएंगे इसकी ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म में आने के बाद फ्लिप हॉरिजेंटल कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए फ्लिप तो हो गया बट ये इधर आ गया, तो इसको फिर हम पोजीशन में आकर के पोजीशन इसकी इधर कर देंगे। ठीक है, और हल्का सा इसको नीचे भी कर देंगे पोजीशन। साथ ही साथ हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, फिल कलर रिप्लाई में ब्लू सा टिक हो जाता है तो कुछ ब्लू सा कर देते हैं। ठीक, अब ये यहाँ तक नहीं आएगा, अब जैसे यहाँ से आएगा हल्का और नीचे से आ जाए, हल्का और राइट शिफ्ट हो जाए। ठीक, अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये भी हल्का सा ऊपर मूव हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पोजीशन के ऑन करेंगे और जैसे ये ऊपर शिफ्ट हुआ तो ये भी हल्का सा ऊपर यहाँ पे आके फिक्स हो जाए। ठीक है, ये आया, ये जैसे ये ऊपर गया फिर ये यहाँ पे आ गया। अब इसके ऊपर एक और टेक्स्ट लाना है एक और टेक्स्ट ले लेंगे, इसमें लिख देंगे SOUND साउंड गुड्स नाम डॉट नाम
नो, आपको जो मैसेज सही लगे वो टाइप कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही कुछ एक रैंडम सी मैसेज टाइप कर दिया, ठीक है। और ये जो हमारा टेक्स्ट मैसेज है इसको भी हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो अब जो हमारा फाइनल बना कंट्रोल जेड, हमारा टेक्स्ट मैसेज ये है, इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब जो हमारी फाइनल बनी वो किस इस तरह पॉपअप आया, ठीक है, ये अपने जगह पे आया, फिर मैसेज टाइप हुई और ये ऊपर गया, और जैसे ही ये ऊपर गया तो अपना दूसरा शेप आया, और दूसरा शेप आने के जस्ट बाद अपनी दूसरी मैसेज टाइप हो गया, ये, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो हम चैटिंग करते हैं तो टेक्स्ट एनिमेशन के थ्रू उसको हम कैसे बना सकते हैं आफ्टर इफेक्ट में, ठीक है। तो हमारी जो अगली क्लास होगी वो क्लास का मैं हल्की सी छोटी सी झलक आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, ताकि पता रहे कि हम अगले क्लास में क्या सीखने वाले हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट क्लास है वो क्लास हमारा टेक्स्ट एनिमेशन का पार्ट 3 है, ठीक है, वो है हमारी टेक्स्ट विथ मार्क्स एनिमेशन। टेक्स्ट का तो हम करेंगे ही, साथ में जो एनिमेशन रहेगा उस पर हम मास्किंग भी करेंगे, तो वो हमें कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। ये वीडियो आपको कटता हुआ दिखेगा, ये सीखने वाले हम नेक्स्ट एपिसोड में। इसी में सिखा देता तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। पार्ट 2 में जितने बताए हैं उतने को प्रैक्टिस कीजिए, साथ ही साथ हम लेके आएंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में आपको ये वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इस वीडियो के साथ। मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आएगी आपको अपडेट्स मिलता रहेगा। ये टेक्स्ट एनिमेशन का पार्ट 2 है, इसका पार्ट 3 भी आएगा, जिसमें हम देखेंगे किसी भी टेक्स्ट को कैसे हम एनिमेशन करके और उसे हम कट इफेक्ट डाल के दिखाएंगे। उस वीडियो का इंट्रो पार्ट मैं इस वीडियो में भी डाल दूंगा। तो आप लोग बने रहे आपका अपना चैनल, अपना एंटरटेनमेंट चैनल के साथ।